Hi, subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now. एक और फायर ब्रांड बिग बॉस ओटीटी में बॉस लेडी रिधिमा पंडित, क्या जाके सबको बॉस लेडी की तरह उंगलियों पे नचाओगी या शांत रहोगी या अपने सारे जो वो क्वालिटीज है जो छुपाने वो बाहर निकालोगी? आई थिंक मैं रहूंगी और मेरा ये है कि आई एम वेरी वेरी जो मैं हूं अंदर वो बाहर दिख के आ ही जाता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ. और बॉस लेडी का मौका तो मिलेगा तो वो भी बनूंगी, पर किसी के पीछे छुपूंगी नहीं. ये मुझे बताओ, रिधिमा कहती है कि जो मैं हूं मैं वो दिखाऊंगी. हाउ वुड यू डिफाइन रिधिमा पंडित? वो किस तरह की इंसान है? हाउ वुड यू डिफाइन हर? रिधिमा पंडित इज वेरी वेरी वल्नरेबल, शी इज एन इमोशनल फूल, शी इज समबडी हु गेट्स टेकन फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम, एंड शी इज गोइंग टू बिग बॉस टू चेंज ऑल ऑफ दिस सो दैट शी इज नो मोर अ पीपल प्लीजर. बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी लॉयल एंड आई एम वेरी ओपिनियनेटेड. ऐसा कभी सिचुएशन हुआ जब आपने एक्सप्रेस किया है अपने को एक्टर्स के साथ कुछ चीज जो सही नहीं लगी एंड इट बाउंस बैक ऑन योर फेस, क्या था वो? Yes. और वो नॉट जस्ट को एक्टर्स, इन जनरल ऑल्सो दोस्तों के साथ भी हो जाता है और काफी कन्फ्रंटेशंस होते हैं विच आई हेट कन्फ्रंटेशंस, आई रादर कीप क्वाइट, बट ये यहाँ पर नहीं चलेगा आई एम श्योर. बट एट द सेम टाइम ये लोग सारे मेरे दोस्त नहीं है शायद, मुझे नहीं पता कौन कौन है अंदर. एट द सेम टाइम कौन मेरा दोस्त बनता है हु इज विलिंग टू टेक माय ओपिनियन फॉर देम. Somebody might find it unnecessary, but I also will be living in that house, और मेरा भी एक opinion होगा और उसे respect करना तो सबकी duty बनती है, because I will respect everyone's opinion. But मुझे बताओ, are you open to finding love in Big Boss OTT? बहुत सारी बार बहुत सारे flames उड़ते हैं, सबकी कहानियां बनती है, are you open to that? Well, honestly, love is such an emotion कि वो बताकर तो आता नहीं. लव के लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा, कहीं से भी आ सकता है कभी भी, इट्स मोर देन वेलकम. पर उसके लिए आपको सिंगल होना जरूरी है. सो इज रिधिमा पंडित सिंगल और नॉट? वेरी सिंगल, वेरी मच सिंगल, सिंगल विद अ कैपिटल एस. ऐसा क्यों यार, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, इमोशनल क्वोशेंट इतना स्ट्रांग है आपका, प्रिटी लेडी, फिर ऐसे बिग कैपिटल एस वाला सिंगल क्यों? मेन गेट इंटिमिडेटेड, इट्स देयर लॉस. कोई बात नहीं, कोई तो होगा जो प्यार करेगा, इंटिमिडेट नहीं होगा. और ऐसा बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग भी होगा रिधिमा जो हैंडल करेगा, दैट मींस अ स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम विद इन. या ओनली अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन हैंडल अ स्ट्रॉन्ग वुमन. ये मुझे बताइए, यू लॉस्ट योर मदर रिसेंटली एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट, एंड मैं ये मानता हूं कि आपकी माता जी आपको इस वक्त ब्लेसिंग्स दे रही है फ्रॉम द हेवंस अबव, एंड फॉर अ मदर अ डॉटर स्पेशली अ चाइल्ड इज ऑलवेज क्लोज. क्या ये शो एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है आपके लिए टू नो टू व्हाट लेवल यू कैन हैंडल थिंग्स, व्हेदर इट्स इमोशनल ब्रेकडाउन्स और व्हेदर इट्स टफ सिचुएशंस? To tell you the truth, the only reason I don't think I've taken up this show in all these years is because my mother was around. Or मुझे मेरी मम्मी से no contact रहना तो गवारा ही नहीं था, because what if she ever needed me and I couldn't reach her in time? मतलब at least on phone I could have comforted her or whatever. यहाँ पे तो phone भी लिए जाते हैं. But you're right, somewhere I don't accept it, but maybe I am looking at it as a coping mechanism wherein my mother is giving me the strength to do so. You actually decoded it for me, you know. A lot of people have been asking me why. So yeah, maybe I'm looking at this show as a coping mechanism. Yeah. But also I'm not too sure if I've that way that's the right thing to do, because yahan par mere log nahi hai. Ab kaun mera achha dost banta hai ya koi saathidar banta hai wo bata nahi, but also this was my mother's favorite show, and for her to I was like a delicate darling, you know. She's like, grown men go over there, they cry, Rithima, you will not be able to manage this, you to cry every time. I said I cry, but then when I stop crying I make others cry, so I'll put it to use. So with your blessings of your mama, I'm sure ki aap bahut acha karengi. Okay, wo kaun se dost hai आपके बिजनेस में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो आप कहते हैं यार ये मेरे यारों की यार है और काश अगर वो मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के अंदर होते मैं खुश रहती, वो कौन लोग हैं? क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा दोस्त बन नहीं पाते जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, बिकॉज एवरीवन इज हॉपिंग फ्रॉम वन असाइनमेंट टू अनदर. इवेंचुअली मैं खुद भी खराब हो गई इन कीपिंग इन टच विद पीपल, यू नो, बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल्स, लाइफ हैपनिंग. बट आई एम द मोस्ट कनेक्टेड विद द पीपल फ्रॉम माय फर्स्ट शो. सो माय को-एक्टर इन रजनीकांत वाज करण वी ग्रोवर, एंड you know, he's really helped me a lot. You know, मेरे first show jitters भी जो थे,
So I think he is very aware of my temperament. He would control me even back then. If I would get very angsty, I would get anxious about something. So मैं करण को लेकर जाती. फिर सुगंधा मिश्रा है, वो बहुत ही फनी है और बड़ी समझदार, लेवल हेडेड है. मैं सुगंधा को पूछती कि क्या आ रही हो मेरे साथ, यू नो. सो या, देयर आर अ फ्यू गुड सोल्स आउट हियर. ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड और दिल से, नॉट ओनली अ वर्ड बट दिल से बोलो इनके बारे में. सिद्धार्थ शुक्ला, अग्रेसिव. हीना खान, ग्लैमरस. शेनाज गिल, क्यूट. रुबीना दिलायक, असर्टिव. जैस्मिन भसीन, बेबीश. कुशाल टंडन, डियर फ्रेंड. यार, आई एम वेरी क्यूरियस, वर यू एवर इन अ रिलेशनशिप विद कुशाल? आई, यू नो, इट्स लाइक आई डेवलप अ रिलेशनशिप विद एवरीवन हु आई वर्क विद. He is one of those few people. We fell out for a bit, but we are very grown, mature adults. So we sorted it out, and he now remains a dear friend. I think he got to know from somewhere I'm doing it. He has wished me well for it. So yes, I think I do share a great relationship with him. How sweet, how sweet. Ridhima, end me. Years down the line, agar log bole Ridhima, what do you want to be known as? What would you like people to keep in mind when they think of Ridhima Pandit? I want people to think that this is a girl who's lived life on her own terms and has stuck to her core values and done her best to entertain us. Kya baat hai? Aur Karan Johar se jab milengi to kya 5 film ka contract utha ke aayengi ki nahi? Hey bhagwan, aapke muh mein ghee shakkar. ऐसा हो गया तो सोचो, आई विल बी सो कूल. बट मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि आज मैं कहीं ना कहीं एक्टर हूँ तो उनके फिल्म्स की वजह से हूँ, क्योंकि उनकी फिल्म्स में पू एंड वो सारे दूसरे कैरेक्टर्स देखकर जो मुझे खलबली मची थी, आज फाइनली बिग बॉस पर उतरने वाली है. ये मुझे बताओ, एक स्ट्रगल तुम्हारा जिंदगी में, वेदर इट वाज पर्सनल और प्रोफेशनल, वेयर कोप करने में टफ था but then you bounced back, wo kya tha taki aap jo log hame dekh rahe unko inspire kar sake? Okay, so when I started working, this is in 2016 in television, I was working long before that, but in television, I just didn't understand the way television industry was working. You know, it was very hectic, and especially for the lead actor, there is no breathing space. जब देखो तब बैठे नहीं कि नेक्स्ट शॉट, फिर चेंज, फिर कंटिन्यूटी, फिर धूप, फिर पानी, फिर कीचड़. सो इट स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन मी, एंड दैट्स व्हेन वी डायग्नोस्ड माय मदर हैड अ किडनी प्रॉब्लम. सो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस पर्टिकुलर ईपी, ही स्कार्ड मी सो बैड बाय नॉट गिविंग मी एन ऑफ एट ऑल टू ब्रीद, और यू नो, लेटिंग मी गो एंड सी माय मदर इन द आईसीयू. इट मेड मी सो बिटर टुवर्ड्स माय ओन वर्क दैट आई रियली फेल लाइक आई एम गोना क्विट. I'm just not cut out for this. I mean, you don't give me time to eat. I have to go in my lunch break to get my hands waxed. I think all of those things really took a toll on me. There were negative articles that were put out, you know, that said that I'm just abhi aayi and, you know, throwing a tantrum or being unprofessional. God, it hurt me so deeply. And, you know, I went crying to my parents and I said, why is this happening to me? I am always at work. I mean, of course, sometimes you must yell, yaar, hota hai kabhi kabhar gusse mein, chao yaar 10 minute de do, saans lene do. But then somehow I bounced back and I am pretty thick-skinned now. Now I believe in not backbending more than what I can. I'm not going to kill myself. I'm not going to glorify the extra working hours. It doesn't make me more hardworking. I'm a smart worker and now I intend to be one. Kya baat hai? Thanks so much, Ridhima. And I love the fact ki aap daring air from within. I love the fact that you know yourself very well. And I know one thing's for sure, lady, you're full of girl power. Give me a fist bump. Come on, come on, come on. Cheers to girl power, Angar. Done. Thank you so much for your time, Siddharth.